सो वेलकम टू डी9 स्कूल्स। दोस्तों, सदियों से और आजादी के बाद भी 75 सालों तक लगातार इंडिया और भारत दोनों ही के नामों को लोग प्रेम से देखते रहे। देश विदेशों में भारत का जलवा इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और दोस्तों इंडिया एक ग्रोविंग कंट्री के नाम से जाना जाने लगा। पूरे विश्व में इंडिया के नाम से डंका बजने लगा। यहां तक की बात यह हो गई कि इंडिया सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता हुआ विकसित होता हुआ देश बन गया। लेकिन दोस्तों पॉलिटिशियंस अभी तक काम चला रहे थे हिंदू वर्सेज मुस्लिम से, लेकिन दोस्तों जैसे ही वो चलना बंद हुआ तो एक पार्टी आई जिसने अपना नाम रख दिया इंडिया। और दोस्तों इस नाम से यानी इस पार्टी के नाम से दूसरी पार्टी को इतनी चिढ़ होने लग गई कि उन्होंने देश का नाम ही बदलने पर उतारू हो गए। यानी दोस्तों अगर एक तरह से देखा जाए तो मैं यहां पर किसी एक पार्टी की गलती नहीं बताऊंगा। भले ही दोस्तों इस समय पर बीजेपी ने बहुत अच्छे अच्छे काम देश के लिए किए हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरह से एक पार्टी ने अपना नाम इंडिया लिखा और जिस तरह से दूसरी पार्टी इस नाम से डर कर इंडिया जो कि एक इतना पॉपुलर नाम है दिलों में बसता है उस नाम को चेंज करने पर ही उतारू आ गए। सवाल यह उठता है कि कैसे तो कोई पार्टी अपना नाम देश के नाम पर रख सकती है, कैसे चार लोग इकट्ठे होकर अपने आप को इंडिया कह सकते हैं और दूसरा कैसे कोई दूसरी पार्टी भारत का पूरे देश का नाम ही बदल सकती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है आप इसके बारे में जरूर बताएं। लेकिन दोस्तों अगर इसी तरह से सब कुछ चलता रहा तो दोस्तों आने वाला समय यह भी हो सकता है कि ये लोग पॉलिटिशियंस लोग अपने लाभ के लिए देश को ही दो भागों में बांट दें, एक इंडिया और एक भारत। एक वो लोग जो भारत को पसंद करते हैं, एक वो लोग जो इंडिया नाम को पसंद करते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, और दोस्तों पासपोर्ट पर भारतीय गणराज्य है इंडिया। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो इंडिया के नाम से जाना जाता है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जहां पर भारतीय गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दोनों ही नामों की अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है। और दोस्तों सदियों से इंडस वैली के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा था, इस बात को हम सभी जानते हैं। भारत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था, इस चीज को भी हम जानते हैं। वैसे तो भारत के कई नाम है जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, हिंद, बहुत सारे नाम है दोस्तों। इंडिया के कोई एक नाम नहीं है, लेकिन दोस्तों विदेशों में भारत को ज्यादातर इंडिया के नाम से जाना जाता है और हम सभी भारत माता की जय ऐसे कहकर इंडिया को पुकारते हैं। इतने दिनों से अलग अलग सरकारें नहीं है लेकिन सभी दोनों देशों को प्रेम करते थे, लेकिन सडनली लोगों के मन में कुछ ऐसी घृणाएं पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग इंडिया से घृणा करने लग जाए तो कुछ लोग भारत से घृणा करने लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज का एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ये बात पहुंचाने के लिए, कि कम से कम संविधान में कुछ ऐसे रूल्स लाएं कि कोई कम से कम भारत के नाम पर देश के नाम पर तो अपनी पार्टी का नाम ना ही रख सके। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है कि किसी पार्टी ने अपनी पार्टी का नाम ही इंडिया रख लिया। मतलब दोस्तों अगर इस पार्टी के कोई विरोध में होगा तो दोस्तों उसे एक बार यहां पर ये बात सोचनी पड़ेगी। तो दोस्तों किस तरह से लोगों की भावनाओं का लाभ इस समय पर पॉलिटिशियंस उठाने पर उतर आए हैं अपने खुद के फायदे के लिए, ये बात आप खुद ही जान सकते हैं। विदेशों में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जब एक पार्टी का नाम आएगा तो दोस्तों लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया देश की बात कर रहे हैं या इंडिया पार्टी की बात कर रहे हैं। आखिर दोस्तों कोई भी आदमी अपने खुद के भले के लिए इतना बड़ा काम कैसे, मतलब इतना बड़ा घृणा योग्य काम कैसे कर सकता है? आप ही इस वीडियो के कमेंट्स में ये जानकारी दें। और दूसरी पार्टी कैसे भारत के नाम को ही बदलने पर उतारू हो सकती है? दोस्तों यहाँ पर जबकि प्रॉब्लम ये है और दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि जो इंडिया के नाम पर या कल के दिन को कोई भारत के नाम पर भी अपनी पार्टी का नाम रख सकता है, फिर कोई हिंदुस्तान के नाम पर रख सकता है, फिर किसी दूसरे नाम पर रख सकता है, तो क्यों ना ये ही चीज बैन हो जाए कि कोई अपनी पार्टी का नाम रख ही नहीं सकता देश के नाम पर। थैंक यू दोस्तों, आपके इस बारे में क्या कमेंट्स हैं इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर।